कि शायद माजी से जो है ये एक दफा एक जो वेव आएगी टेरर वेव आएगी इट कैन बी वर्स देन बिफोर बिकॉज ये कहा जा रहा है जिन लोगों को हमने पुश आउट किया था जो आज से 10 साल पहले जिनको पुश आउट किया था अब वो बेहतर ट्रेंड है बेहतर इक्विप्ड हैं टेक सैवी हैं बहुत उनको इंडिया ने उनपे बहुत जो है वो मेहनत की है हमारे इदारे कहाँ पर हैं ये तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं सेंडिंग अ मैसेज अक्रॉस स्ट्रॉन्गली हम बार बार यही कहते हैं और वो भी उर्दू में कहते हैं मारिया कि हमारा कोई बात नहीं समझ रहा हमारे दुश्मन है नहीं नहीं आपको इस मुल्क के अंदर इंग्लिश चैनल चाहिए और आपको पता है कि अभी से 2-3 घंटे पहले बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है अफगानिस्तान के जो हुकूमत है उन्होंने ऑफिशियल एक बयान दिया कि जितने भी पाकिस्तान में उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको वो वापस बुला रहे हैं अफगानिस्तान में आज जब उन्होंने ये कह दिया कि हम डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान से बुला रहे हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हो सकता है कल तक वो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को कहें कि आप अफगानिस्तान छोड़ के चले जाएं आपने सबसे पहले घबराना हेलो फ्रेंड्स अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं थैंक यू फ्रेंड्स इसलिए अब ये जो स्लीपर सेल्स हैं ये एक्टिव हो रहे हैं जिसका हमें अमली मुजाहरा नजर आया हमने लाहौर में देखा कुरम में देखा दासू में बलूचिस्तान में क्या ये कहना सही होगा कि एक बार फिर हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ वो राइट देखिए वो हर तरीके से हमारे ऊपर हमलावर है सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं है वो हमें बाकायदा हमारा खून बहा रहे हैं हमें कट लगा रहे हैं इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ शिकायतें लगाते फिरे लोगों को बताते फिरे कि ये देखें हमारे साथ ये कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाई वो दुश्मन है वो कर रहा है आप इसका सद्देबाप तलाश कीजिए और ये मैं नहीं मानता कि इसका कोई सद्देबाप हो नहीं सकता जी कि शायद माजी से जो है ये एक दफा एक जो वेव आएगी टेरर वेव आएगी इट कैन बी वर्स देन बिफोर बिकॉज ये कहा जा रहा है जिन लोगों को हमने पुश आउट किया था जो आज से 10 साल पहले जिनको पुश आउट किया था अब वो बेहतर ट्रेंड है बेहतर इक्विप्ड हैं टेक सैवी हैं बहुत उनको इंडिया ने उनपे बहुत जो है वो मेहनत की है आप किस तरह देख रहे हैं इसको देखिए जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो पहला रिएक्शन हमारा ये होता है कि ये कहां से इंजीनियर हुआ कहां से इनको ट्रेनिंग मिली कौन था और हम ये समझते हैं कि ये बाहर से हुआ और बाहर से मतलब मकसद ये है कि हिंदुस्तान से हुआ अब ये इसका हमें इल्म नहीं है कि इसमें हकीकत है या कुछ हकीकत नहीं है लेकिन जो असली बात है ये कि अपने इदारे हमारी अपनी कैपेसिटी हमारी अपनी कैपेबिलिटी हमारे इदारों की परफॉर्मेंस उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती कि ये क्यों हुआ हाथ जिसका भी हो वो भी एक एस्पेक्ट है वो जरूरी एस्पेक्ट है वो जरूरी डायमेंशन है उसको भी देखना होगा लेकिन क्यों कर हमारे हालात में ऐसे हुआ और हमारे दरमियान लोग आकर घुस गए और उन्होंने एक वारदात की जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए 4 हमारे लोग जो हैं वो मारे गए और ये वाक़ हुआ और आज तक किसी को न पकड़ा जा सका न किसी को आइडेंटिफाई किया जा सका न किसी नतीजे पर हम पहुंचे उसके बाद एक सफीर की बेटी के साथ जो हुआ वो आपके सामने है वो भी हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जी फलां जगह से फलां मुल्क से लेकिन हमारे इदारे ये फेडरल कैपिटल में दिन दहाड़े एक लड़की पे हमला होता है उसको फिर कैप्चर किया जाता है उसको टॉर्चर किया जाता है उसको फिर फेंका जाता है लेकिन हम कहते हैं कि फलां ने किया भाई किसने किया हमारे इदारे कहाँ पर हैं ये तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं अगर एक एक्सप्लोसिव लेडन कार जो है वो आके रैम्ड इनटू दिस बस तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी लैप्स तो है जिहादी तंजीमें हैं माजी की हमारी गलतियां हैं और हम उसका खमियाजा बार बार भुगतते हैं और अगर हम चाह भी रहे हैं अभी कि हमारे कंधे पे से ये माजी का जो बोझ है वो हट सके तो उसको हम किस नैरेटिव के साथ आगे कर सके देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा जो नैरेटिव है वो बहुत ही कमजोर है और हम हर बात पे शुरू करते हैं कि साजिश और पहले उसको छुपाने की कोशिश करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क के अंदर जहां पर 8 करोड़ जो है वो स्मार्टफोन्स हैं वहां पर आप कितनी बातें छुपा सकेंगे अब आप चाइना के आप इस वैन का ही मसला देख लीजिए कितना अफसोसनाक बात है और उसमें दो राय भी नहीं होती कि ये हमारे मुल्क दुश्मन अनासर इसमें इन्वॉल्व है लेकिन लोकल कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वो फायदा उठाते हैं और ये हमें एक बहुत बड़ा ही एक प्राइस पे करना शुरू कर दिए हमने
जो विजावी अफगानिस्तान के अंदर एक क्राइसिस जो है या एक तूफान या एक बुरान जो हमारे सामने खड़ा है। मुझे याद है मारिया कि जब मैं ट्राइबल बेल्ट के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर कवर के लिए जाता था ये 9/11 के बाद, तो वहां पे जो बड़े होते थे ट्राइबल एल्डर्स वो कहते थे कि आतिश फिशा जो है वो अफगानिस्तान में है और लावा हमारी तरफ बहता है, यानी कि उसका जो सारा नुकसान हमारी तरफ होता है। तो ये भी हम उसी तरफ जा रहे हैं मैं समझता हूँ, लेकिन जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने उसको पहले एक स्टेटमेंट दिया, फिर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आया, फिर चाइना से आया कि ब्लास्ट, पहली खबर मैं वहां पे लोकल रिपोर्टर से इन टच था, आप भी मारिया इन टच होंगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे थे कि एक्सप्लोजन, आप कहते थे कि इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्सप्लोजन बताया जा रहा है, और शाम को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देते। तो ये जो इबाम है और ये जो छुपाने के इल्जाम हैं हमारे दुश्मन अनासर से वो खत्म होंगे। मैं समझता हूँ कि वी लैक इन बिल्डिंग अप अ नैरेटिव और सेंडिंग अ मैसेज अक्रॉस स्ट्रॉन्गली। हम बार बार यही कहते हैं और वो भी उर्दू में कहते हैं मारिया कि हमारा कोई बात नहीं समझ रहा, हमारे दुश्मन है। नहीं नहीं, आपको इस मुल्क के अंदर इंग्लिश चैनल चाहिए, आपको कनेक्टिंग डॉट्स जो है वो किससे होगा, लिंक मारिया एक ही उससे होगा आजकल के मॉडर्न जमाने में। आप देखिए, मैं कहीं आपकी बात और इधर उधर ना ले जा रहा हूँ, आरटी, रशिया टुडे, फ्रांस 24, ड्यूशे वेले, ये सीसीटीवी जो सीजीटीएन अभी है, ये सारे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग चैनल नेशंस है, चैनल्स के साथ लेकर आ रहे हैं। आप यहाँ पे चैनल भी लेकर अगर आना चाहेंगे तो वो भी एक ऐसे भोंडे तरीके से लेकर आना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से चलाएं और उसमें अपना नैरेटिव और अपनी गलतियां भी बताएं और उसके सोल्यूशन भी बताएं। समझता हूँ कि हम एक सही रास्ते पे तो हैं, लेकिन ये बात आप देख लीजिए जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ कि इस वक्त ये बहुत ज्यादती वाली बात है कि अमेरिका के सामने रोना धोना करने से के बजाय अफगानिस्तान से और हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान पे ये सारा जो मसला है वो डाल रहे हैं। पाकिस्तान की गलतियां माजी में होंगी और शायद अभी भी थोड़ी बहुत हो, लेकिन ये मलबा अफगानिस्तान के बहरान का आप पाकिस्तान पे नहीं डाल सकते। और आपको पता है कि अभी से 2-3 घंटे पहले बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। अफगानिस्तान के जो हुकूमत है उन्होंने ऑफिशियल एक बयान दिया है कि जितने भी पाकिस्तान में उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको वो वापस बुला रहे हैं अफगानिस्तान में, और ये एक पहला स्टेप है पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए। आज इससे पहले अफगान सफीर से पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा की भी मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने बड़ा बताया उनको अफगान एम्बेसडर को कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ उसके कल्प्रिट ढूंढने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और एक टैक्सी वाला जो है वो यानी पकड़ा भी गया या उसका पता चल गया और दूसरे को उससे ट्रेस कर रहे हैं जो उन्होंने चेंज की थी। लेकिन ये बयान आया अफगानिस्तान काबुल के अंदर से कि जनाब अफगान सदर अशरफ गनी जो हैं उन्होंने ये अपने डिप्लोमेट्स को हुक्म दिया। अब जो थोड़े दिन पहले मैं आपको बता रहा था ना कि एक अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान के इर्द गिर्द शिकंजा टाइट करने का एक मोरा बन रही है कि जो अमेरिका ने करना है, जो हमने 5-6 दफ़ा उनको पब्लिकली हमने कह दिया कि जनाब हम अमेरिका से हम की बात नहीं मानेंगे, अमेरिका का जोर नहीं हमने लेना, तो उसकी एक प्राइस तो पे करनी थी। तो कई दिन से, पिछले 5 दिन से आप देखें कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो इस केस को बिल्डअप कर रही है। अब वो केस क्या है और इसकी एक बड़ी सीरियस रेमिफिकेशन है, इसकी बड़ी सीरियस इसके आगे एक चीज़ हो सकती है, मैं भी आपको बताता हूँ। पहले आप केस समझ लें कि 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी चमन के करीब हम बॉर्डर पे तालिबान को मारने जा रहे थे तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें थ्रेट किया कि यहाँ पे मत मारो, ये हमारी रेंज में आ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा कि जी 10,000 कमांडोज जो हैं पाकिस्तान ने ये काबुल के अंदर भेज दिए तालिबान की मदद करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है तालिबान को असलाह फ्राहम कर रहा है और मदद कर रहा है उनकी वहाँ पे, यानी वो मुतवातिर ये बिल्डअप कर रहे हैं कि तमाम अपनी फेलियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के सर पे डालें। आज जब उन्होंने ये कह दिया कि हम डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान से बुला रहे हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हो सकता है कल तक वो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को कहें कि आप अफगानिस्तान छोड़ के चले जाएँ, और ये बिल्डअप कर रहे हैं बेसिकली उसको कि आपसे सफारती ताल्लुकात नहीं रखने,
कि जी आप उनके दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बारहा ना सिर्फ उनको बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह चुका है कि हम तालिबान की मदद नहीं कर रहे, तालिबान अपने ओन पे फतवात कर रहे हैं। लगता है पाकिस्तान के हाथों से बाजी खिसकती चली जा रही है, रोज एक नई खबर मिलती, कभी ये पाकिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को अगवा कर लिया जाता है, कभी चाइनीज पे हमला होता है। इससे पता चलता है पूरे इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी फौज और सरकार किसी भी काबिल नहीं रही है, ना तो उन्हें कहीं से सूचना मिल रही, ना कोई उनकी मदद कर रहा है, और साथ ही साथ तालिबान का खतरा इस तरीके से बिल्कुल मदहोशी की हालत है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अभी इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाएं और क्या करें, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, चारों तरफ से इतना प्रेशर आ चुका है जो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है झेलना। और साथ ही साथ मुल्क में गरीबी है, ना इकनॉमी अच्छी चल रही, ना और ना ही चाइना अब उस तरीके से मदद कर रहा है पाकिस्तान की। इस समय पाकिस्तान ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहाँ से उसका निकलना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं हम अपना मुकदमा कैसे पेश करें, हमारे यहाँ तो खाली उर्दू बोली जाती है जो विदेशी नहीं समझते, इसलिए हमें इंग्लिश चैनल खोलने पड़ेंगे विदेशियों को अपना मुकदमा दिखाने के लिए, मगर विदेशी सब जानते हैं इनके बारे में, इनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।